बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बैंक से डिफरेंट किस्म के लोन के इंस्टॉलमेंट कैलकुलेशन के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें कार फाइनेंसिंग है, हाउस फाइनेंसिंग है और इस तरह का दूसरे लोन है, उसको दोस्तों कैलकुलेट कैसे करेंगे ताकि मंथली इंस्टॉलमेंट हम निकाल के। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं है, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। दोस्तों, यहाँ पर सीरियल नंबर, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, लोन अमाउंट, डाउन पेमेंट, नंबर ऑफ ईयर्स, मंथली सॉरी मार्कअप और मंथली इंस्टॉलमेंट, सीरियल नंबर 1, 2, इसको दोस्तों मैनुअली ड्रैग कर दे। जितने आपके कस्टमर है उसके मुताबिक यहाँ पर कस्टमर नेम, इसको भी दोस्तों मैंने यहाँ पे मैंने लिख लिए। प्रोडक्ट नेम के लिए दोस्तों इस लिस्ट को सेलेक्ट कर दे और यहाँ दोस्तों डेटा में जाए, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू लिस्ट, सोर्स में कार, हाउस, लोन एक्सेट्रा ओके कर दे। तो इन सब को दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, जस्ट आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। लोन अमाउंट दोस्तों यहाँ मैनुअली भी डाल सकते हैं, मैनुअली डालें, यहाँ से इसको वन बाय वन सेलेक्ट कर दे। डाउन पेमेंट दोस्तों मैनुअली डाल लें, या फ़र्ज़ करें डाउन पेमेंट कितना है, अमूमन 5 लाख होता है या 10 लाख होता है या जितना भी हो, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि 5% या 3% ऑफ टोटल अमाउंट इक्वल टू लोन अमाउंट मल्टीप्लाई विद 3%, या इसको दोस्तों 5% कर दे, एंटर करें, या 10% कर दे, या इसको 20% कर दे, ड्रैग कर दे। 20% ऑफ लोन अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर फर्ज करें 12 साल, 10 साल, 5 साल, इस तरह का वो शेड्यूल डालें। तो दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर भी आपने मैनुअली डालना है और मार्कअप कितना परसेंट वो आपसे मार्कअप ले रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है वो भी यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फार्मूला आपने पुट करना है इक्वल टू पीएमटी का फार्मूला, इक्वल टू पीएमटी इनटू रेट जो कि 5% है, इसको दोस्तों हमने डिवाइड करना है 12 पर, यानी 12 महीने कामा नंबर ऑफ पेमेंट्स, नंबर ऑफ ईयर इसको दोस्तों मल्टीप्लाई करना है किससे, नंबर ऑफ मंथ से 12 महीने कामा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू में दोस्तों ये जो नंबर लोन अमाउंट है इसको डालना है कामा, सारी यहाँ पे माइनस करना है दोस्तों हमने डाउन पेमेंट को, पीएमटी इनटू G6 मार्कअप डिवाइडेड बाय 12 यानी 12 महीने पर डिवाइड करना है कामा, F6 मल्टीप्लाई विद 12, 12 महीनों से मल्टीप्लाई करना है, नंबर ऑफ ईयर को 12 महीनों से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने महीने का इंस्टॉलमेंट निकालना है कामा, D6 जो कि लोन अमाउंट है इससे माइनस करना है डाउन पेमेंट, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। तो इसको दोस्तों यहाँ से ड्रैग कर दे, इसको दोस्तों यहाँ से ड्रैग कर दे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हमें रिजल्ट निकल आया, मंथली हम इन कस्टमर ने ये इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि ये नेगेटिव में आए तो यहाँ पर क्लिक करें, पीएमटी से पहले माइनस का साइन लगाए और फिर यहाँ पर एंटर कर दे, तो ये पॉजिटिव निकल आ रहा है। आप देख रहे दोस्तों ये माइनस से चेंज होकर पॉजिटिव हो गया, यानी आमिर ने हाउस के लिए 23 लाख रुपए लिए और 4,60,000 उसने डाउन पेमेंट किया, 12 साल में पे करना है और 5% उसने मार्कअप देना है, तो 17,017 उसने मंथली इंस्टॉलमेंट करना है। इसके दोस्तों थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं, यहाँ से ऑल बॉर्डर, यहाँ से थिक बॉर्डर, इसके हेडिंग सेलेक्ट कर दे, थोड़ा सा बड़ा कर दे, यहाँ से बैकग्राउंड कलर कोई दे दे, यहाँ से फॉन्ट कलर, इसको डिलीट कर दे। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टू बैंक। उम्मीद है दोस्तों आज की इस लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आज की इस लेक्चर की समझ आई है तो हमारी इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाई, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।